आज हम बात करेंगे सबसे बड़े समुद्री पक्षी पेलिकन के बारे में। पेलिकन का साइंटिफिक नेम पेलिकेनस है। पेलिकन पक्षी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी लंबी चोंच और उसके गले की थैली है। पेलिकन पक्षी पानी के आसपास ही रहना पसंद करते हैं। ये पक्षी ठंड के मौसम के शुरू होते ही भारत में आते हैं। मुख्यतः ये पक्षी गुजरात के कच्छ जिले में काफ़ी संख्या में आते हैं। समुद्री जीव इस पक्षी के मुख्य भोजन होते हैं। इनकी आयु लगभग 15 से 25 वर्ष होती है। नर पेलिकन मादा पेलिकन की तुलना में आकार और वजन दोनों में बड़े होते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि ये अपनी चोंच को पानी में खोलकर डुबा लेता है, जिसकी वजह से उसकी चोंच और थैली में पानी भर जाता है और थैली में भरे उस पानी में जितनी मछलियाँ आ जाती हैं उनको ये निगल जाते हैं और पानी थैली से बाहर निकाल लेते हैं। पेलिकन पक्षी अपना घोंसला ज़मीन पे बनाते हैं और उस घोंसले में मादा 2-3 अंडे देती हैं। इनका घोंसला मिट्टी और तिनके से बना होता है। ये पेलिकन झुंड में रहने वाला सामाजिक पक्षी है। इनका वज़न 9 किलो से 16 किलो तक होता है। वज़न अधिक होने के बाद भी ये तेज़ गति से उड़ सकते हैं। पेलिकन की लंबाई 100 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर तक होती है। जब पेलिकन पक्षी प्रवास करते हैं तब वो अधिकतर वी आकार में उड़ते हैं और करीब 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ते हैं। ये अपना शिकार भी झुंड में करते हैं और प्रजनन भी। प्रजनन के समय नर के चेहरे का रंग गुलाबी होता है और मादा के चेहरे का रंग नारंगी हो जाता है। तो ये था पेलिकन पक्षी।